अब फाइनली कहीं जाकर इस अजय गुटका देवगन ने ओरिजिनल कंसेप्ट के ऊपर भाई सब फिल्म बनाने की ठानी है, जिसका ट्रेलर अभी 23-24 घंटे पहले ही यूट्यूब के ऊपर रिलीज करा गया है। फिल्म का नाम है मैदान, जो कि आज से ठीक 7 दिनों के बाद यानी कि अप्रैल 10 के दिन सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने जा रही है। कहानी की बात करी जाए ना तो यह फिल्म जो है फुटबॉल के ऊपर बेस्ड है। इस फिल्म को बनाने का जो खर्च आया था वो था 50 से 60 करोड़ रुपयों का। मगर ये बात शॉकिंग नहीं है, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि यह फिल्म मैदान साल 2019 में ही बनकर तैयार हो चुकी थी, मगर पैंडेमिक की वजह से इस फिल्म को तब रिलीज ही नहीं करा जाता है। आप सभी लोगों को याद होगा कि पैंडेमिक के दौरान ही सुशांत सिंह राजपूत वाला भी इंसिडेंट हो जाता है और इस पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वॉट लग जाती है। बॉलीवुड फिल्म्स का भारतीय आम जनता बड़े बुरे तरीके से बहिष्कार करके रख देती है, जिसके ही डर से इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो इस फिल्म को भाई साहब रिलीज ही नहीं होने देते, ना साल 2021 में, ना 2022 में और ना 2023 में। पर अब इन क्षणों को ऐसा लग रहा है कि वो जो बॉयकॉट का और जो बहिष्कार वाला माहौल चल रहा था ना वो पूरे तरीके से ठंडा हो चुका है। आम जनता वापस से सिनेमाघरों की तरफ जाने लग चुकी है, इसीलिए अब कहीं जाकर बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके इस फिल्म को आज से 7 दिनों के बाद यानी कि 10 अप्रैल के दिन सिनेमाघरों के अंदर रिलीज करा जा रहा है। इस उम्मीद में करा जा रहा है ना भाई साहब कि जैसे गदर 2 चल गई, रणबीर कपूर की एनिमल चल गई, पठान चल गई, जवान चल गई और अभी हाल ही में अजय देवगन की शैतान भी सुपरहिट हो गई ना, तो इनकी यह फिल्म भी कमाल कर देगी। मगर इन अकल के अंदर फिल्म मेकर्स को कौन समझाए भाई साहब कि पहले इस भारत नामी देश के अंदर क्रिकेट का जो है वो इतना भारी क्रेज रहता है, ऊपर से अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के खत्म होने के तुरंत बाद क्रिकेट के वर्ल्ड कप शुरू होने वाले हैं। ऐसे में ये जो वक्त है ना किसी फुटबॉल पर बेस्ड फिल्म को रिलीज करने का सिनेमा घरों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तब भी ये लोग नहीं समझते हैं और आज से 7 दिनों के बाद इस फिल्म को सिनेमा घरों के अंदर रिलीज कर देते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि इस फिल्म के अंदर अपने जुबा केसरी भैया ने चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिंग क्यों ना करी हो, इनकी यह फिल्म सीधे तौर पर गटर के अंदर ही जाएगी और बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप हो जाएगी। यह बात तो आप मेरी लिख कर ले लो। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे की जो बात है कि अजय देवगन की यह फिल्म जिस दिन सिनेमा घर के अंदर रिलीज होने जा रही है उसी सेम दिन यानी कि 10 अप्रैल के दिन टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की भी बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हो रही है, यानी कि 5 सालों तक बोनी कपूर ने इस मैदान नामी फिल्म को रोक कर रखा, इस डर से रोक कर रखा कि कहीं इनकी यह फिल्म फ्लॉप ना हो जाए और इनके लागत के पैसे ये लोग बड़े अच्छे से वसूल कर पाए। इतना ज्यादा डर होने के बाद अब कहीं जाकर जब इन्होंने अपनी इस मैदान नामी फिल्म को रिलीज करने का मन भी बनाया तो इसे भाई साहब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के साथ क्लैश करवा दिया। नहीं मतलब ये कहां की बुद्धिमानी हुई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब। खैर अब इन दोनों फिल्म्स के रिलीज होने में कोई बहुत ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, बहुत जल्दी ही समझ आ जाएगा कि इन दोनों फिल्म्स की नैया जो है ना वो पार लग पाती है या बीच रास्ते में ही एक दूसरे से टकरा कर बड़े बुरे तरीके से डूब जाती है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे इस पेज के साथ जुड़े हुए नहीं है तो क्या कर रहे हैं भाई साहब, जुड़िए ना, जुड़ करके हमारी आवाज और हमारी इस मुहिम को और बुलंद करिए।